हेलो दोस्तों, मैं विवेक दत्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई जानना चाहता है कि ये क्या है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको आज के इंटरनेट के दौर में ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका क्या यूज है, तो आप इस डिजिटल युग में और लोगों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है और आने वाला युग भी इंटरनेट का होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2015 में हमारे कंट्री में इंटरनेट यूजर की संख्या कितनी थी, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2015 में हमारे कंट्री में इंटरनेट यूजर की संख्या 260 मिलियन के आसपास था, मात्र 260 मिलियन, जो कि अब 2019 में बढ़कर 627 मिलियन के आसपास हो गया है। ये लगभग 141% का ग्रोथ है और आने वाला 2021 तक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि ये 950 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इंटरनेट का कितना यूजेस हमारे कंट्री में बढ़ा है। ऐसे में इंटरनेट मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। इसलिए आजकल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर रही है, और अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने पार्टी के प्रचार के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रही है। आखिर क्या है डिजिटल मार्केटिंग, या ऑनलाइन मार्केटिंग, या इंटरनेट मार्केटिंग, जो इतना पॉपुलर हो रहा है और सब इसके पीछे भाग रहे हैं? तो आइए जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों को जोड़कर बना है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल का संबंध इंटरनेट से है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क का हिस्सा दुनिया का हर वो व्यक्ति है जो किसी न किसी डिजिटल उपकरण के द्वारा इंटरनेट का यूज कर रहा हो, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया। और मार्केटिंग का संबंध विज्ञापन से है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जानकारी मौखिक या लिखित रूप से कस्टमर तक पहुँचाने का एक प्रक्रिया है। सरल भाषा में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल तकनीक द्वारा ग्राहकों तक पहुँचने का एक जरिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बैनर के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन पहले से करते आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कंपनी अपने कस्टमर तक पहुंचने के साथ साथ उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख सकती है। जैसे कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, इन सभी का एनालिसिस हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं के बराबर कर सकते। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या 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 मेन्स हैं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य रूप से हम सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल मार्केटिंग और दूसरे वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी और प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए। हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कई सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो के थ्रू आपको मिले होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे।